ठीक है, तो कल हमने क्या सीखना शुरू किया था बताओ? नरेशन सीखना। टेंसेस में क्या बताया था कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो किस में चेंज हो जाएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में और डू या डस के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो किसके साथ चेंज हो जाएगी? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वहां सेकंड नहीं लगेगी, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तीसरा चेंज क्या होगा? जो इस एम और आर हैं वो किससे बदल जाएंगे? वाल और वर्ब। इज और एम का वाज बन जाएगा, आर का वर्ब बन जाएगा। या इसको दूसरी तरीके समझें, अगर सिंगुलर नंबर होगा सब्जेक्ट तो वाज लगेगा, एक वचन होगा तो, और बहुवचन होगा तो वर्ब लगेगा, है ना। उसी तरह से यहाँ आई के साथ एम और ही शी के साथ इस, वी दे के साथ आर, यानी बहुवचन के साथ आर लगते हैं। ये पहले वाला इस तरफ के, जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो वो वाज या वर्ब होगा। फिर प्रेजेंट में क्या आता है? हैज या हैव आता है, प्रेजेंट परफेक्ट जिसको कहते हैं, उसका क्या बन जाएगा? हैज हैव का हैज हैव का क्या बनेगा? एस एन के साथ की तरह लगती है, एन के साथ भी। इसमें फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी थर्ड है यहाँ भी थर्ड। एस एन प्लस थर्ड फॉर्म विल चेंज इनटू एड प्लस थर्ड फॉर्म, और उसके बाद है हैज बीन या हैव बीन। Has been होगा या क्या होगा? Have been। ये किस में चेंज हो जाएंगे? Had been। ये हम कल कर चुके थे, ये जस्ट रिविजन, ठीक है। ये had been में चेंज हो जाएगा। अब क्या बचा? ये सारा प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट भी डेफिनेट हो गए, दो हो गए, ये दो प्रेजेंट भी डेफिनेट हो गए। किसमें बदल जाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट ये क्या होगा? पास्ट में इंडेफिनिट। इज एम आर सिंपल, या इसको हम कह सकते हैं कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर जो है वो पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएंगे। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बचा पास्ट। पास्ट में क्या लगता है? पहले सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट में। सेकंड फॉर्म कैसे बदल जाएगी? हैड प्लस थर्ड फॉर्म।
यानी पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में बदल जाए। और फिर आता है पास्ट कंटीन्यूअस, वाज या वर्ब, वाज या वर्ब इसके साथ चल जाएगा एड बी, वाज या वर्ब एड बी में बदल जाएगी। वाज वर्ब क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस। तो पास्ट कंटीन्यूअस का क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब बचा ये, अगर ये आ जाएगा इन सॉरी डायरेक्ट में, डायरेक्ट में अगर ये आया तो नो चेंज, नो चेंज इन डायरेक्ट में, नो चेंज, दैट प्लस थर्ड फॉर्म ही रहेगी। ठीक है, इसी तरह ये आ गया तो had been, इसमें भी नो चेंज, ये भी नो चेंज। ये टेंस के चेंजेस हमने कब देखे थे? इसके अलावा क्या है हमारे पास? विल शैल, विल का क्या बन जाएगा? वुड। शैल का क्या बनेगा? शुड। कैन का? गुड। गुड और क्या बचा? मे माइट, मे का माइट, मे माइट में चेंज हो जाएगा। लगभग सारी चीजें होंगी टेंस से संबंधित। ठीक, अब दूसरा जो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, वो होता है प्रोनाउंस का। किसका? प्रोनाउंस, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस कैसे चेंज होंगे? प्रोनाउंस पहले कितनी होती है? प्रोनाउंस कितनी होती है? प्रोनाउंस किसे कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम मीन्स संख्या के स्थान पर आने वाले शब्दों को, द नेम्स विच रिप्लेस द नाउन, वो द वर्ड्स विच रिप्लेस द नाउन, वो शब्द जो कि संख्या के स्थान पर, नाम के स्थान पर, जैसे हम कहें चहल, चहल के नाम पे क्या आता है? ही, ही। या द टीचर हु इज स्पीकिंग, आई एम द टीचर हु इज स्पीकिंग, तो टीचर क्या होगी? नाउन होगी। तो मैं टीचर की बजाय या अपने नाम की बजाय क्या यूज करता हूँ? आई। तो आई क्या हुई? प्रोनाउन। ठीक है, दो बच्चे बाहर खड़े हैं, हमें उनका नाम भी पता है, लेकिन नाम लेने की बजाय कहते हैं वे जो बाहर खड़े हैं, तो वे क्या है? प्रोनाउन, दे, दे प्रोनाउन है। तो डायरेक्ट स्पीच में जो प्रोनाउन होती है वो इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाती है। इनडायरेक्ट स्पीच में वो प्रोनाउन बदल जाएगी। किस नियम से बदलेगी वो हमें ध्यान में रखना है। तो पहले तो प्रोनाउन कितनी तरह के होते हैं? प्रोनाउन को हम तीन भाग में बांट सकते हैं। दूसरी तरह के प्रोनाउंस को बोलते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और तीसरी जो चीज है उसे कहते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई माई मी वी आवर अस। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ही लिखते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई,
आई की दूसरी फॉर्म है माई और मी। ये क्या है? सिंगुलर एक वचन है, सिंगुलर नंबर आई माई मी। आई कब यूज करता हूं? जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो यहां मेरा जिक्र कहां है? सेंटेंस में, एकदम शुरू में, एकदम शुरू में। तो मैं कहूंगा आई टीच इंग्लिश। ठीक, आप कहें मुझे क्या करना है, सेंटेंस में सबसे पहले तो वह है, वो तो मैं नहीं हूँ, है ना। बाद में करता है, वहां भी मैं नहीं हूँ, काम है बीच में। तो जब भी आई का यानी बोलने वाले का स्पीकर का जिक्र शुरू में आएगा तो हम आई लिखेंगे, है ना। बीच में आएगा तो माई लिखेंगे, है ना। वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। तो मैं अपना जिक्र कहाँ कर रहा हूँ? बीच में। पहले वह आ गया, फिर भाई आ गया, बीच में मेरा है। तो बीच में अगर जो यूज होगा तो क्या होगा? माई। फर्स्ट पर्सन अगर बीच में यूज होगा तो हम क्या लिखेंगे? माई। और लास्ट में यूज होगा तो ना, उसने मुझे मारा, तो अंग्रेजी में लास्ट में आ जाएगा, उसने मुझे मारा। तो क्या बनेगा यहाँ पे? आई की कौन सी फॉर्म यूज होगी? तीसरी। ही बीट मी, ही बीट मी। लास्ट में मेरा जिक्र आया। हिंदी में सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ और होता है, इंग्लिश में कुछ और होता है। तो इंग्लिश में कब आएगा यूज इसका? फर्स्ट पर्सन के जो तीसरी फॉर्म है मी, वो हमेशा लास्ट में यूज हो। तो ये सिंगुलर नंबर है। प्लूरल नंबर कौन सा होगा? बहुवचन इसका। आई का बहुवचन वी, माई का आवर हमारा, ये मेरा, ये हमारा, और मी का अस। ये छह फर्स्ट पर्सन है, 1 2 3 4 5 6। मैं अपने बारे में इन छह शब्दों से बात कर सकता हूं, ठीक है। वह हमारा भाई है, तो क्या कहेंगे? ही इज मेरा भाई है, माय माय, है ना। उसने मुझे पैसे दिए, ही गेव मी मनी। उसने हमें पैसे दिए, ही गेव अस, ही गेव अस मनी। ये फर्स्ट पर्सन, ये सारे क्या हुए? फर्स्ट पर्सन। अब आएगा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन सी है? यू, सिंगुलर नंबर। यू की दूसरी फॉर्म योर, योर, यू, योर, योर, यू, यू, योर, यू। ये और प्लूरल नंबर भी इसका यही होगा। प्लूरल भी क्या होगा? यू, योर, अब ये भी यू है, ये भी यू है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा यू है, ये कौन सा यू है? और ये आगे लगा ऐसे पता, किस बात से पता चलेगा? नहीं, एक चीज सर, तो मतलब प्रयोग करने की बात आती है, चाहे यू कर लो, मतलब यू तो यही रहेगा ना। हमें कैसे पता चलेगा? जैसे ये ना, आई तो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, मी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है,
ठीक है, जैसे आई लव myself, he loves me, ये होगा sentence, he loves me, he loves me. यहाँ पे subject क्या है, subject किसे कहते हैं, naming part of a sentence, sentence का verb से पहले जो naming part है, नाम वाला हिस्सा है, उसको subject कहते हैं, और object किसे कहते हैं, me, अंतिम अंतिम वाले लास्ट काम का जिस पर प्रभाव पड़ता है, रिजल्ट पड़ता है, या आसान शब्द हम क्या कहेंगे, वर्ब से पहले जो नाम है वो सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट. तो अब हम इनको कैसे पहचानेंगे, ये तीसरी फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है. अगर वर्ब के बाद है तो ये वाला यू है, वर्ब के बाद है तो क्या समझेंगे, इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ यू. और अगर वर्ब से पहले है फर्स्ट तो फर्स्ट 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 फॉर्म. जैसे हम कहते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं यू को, तुम तुम्हें पसंद नहीं करते ना, जैसे कहते हैं यू, कई बार बच्चे खुद को ही पसंद, मेरा नाम अच्छा नहीं है, मेरी शक्ल उसके जैसी नहीं है ना, मैं नालायक हूँ, ऐसे बच्चे होते हैं ना, मुझे कुछ नहीं आता होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बच्चे खुद को पसंद नहीं करते. तो कोई कोई कह रहा है तुमको पसंद नहीं करते, तुम्हारी मम्मी समझा रही है, टीचर समझा रहा है, तो खुद को पसंद करना शुरू करो तो तुम्हारे अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा. तो क्या लिखेंगे, यू डू नॉट लव यू, यू डू नॉट लव यू. सर ये ऑब्जेक्ट क्या आना चाहिए, लव यू डोंट लव योरसेल्फ, नहीं वो बीच में आएगा योरसेल्फ, ठीक है. ये देखो अभी पहले ये समझने के लिए कह रहा हूं मैं ये क्या हो गया, यू इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, तुम और इसको क्या बोलेंगे, योरसेल्फ कर लो या यू कर लो, क्या होगा, तुम्हें, तुम और तुम्हें, हिंदी में अलग अलग है ना ये, तो यहाँ भी दिखते एक जैसे हैं लेकिन हैं तो अलग अलग ही. कई बार दो भाई बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं तो दोनों के स्वभाव अलग हैं, दोनों के नंबर अलग आते हैं, दोनों एक एक चपाती खा लेता है दूसरा चार खाता है, सब अलग अलग होते हैं ना. इसी तरह दोनों तुम कह रहे हो ना एक जैसे, एक जैसे नहीं है. इसको जो है हिंदी में या दूसरी भाषा में कुछ और कहते होंगे, ये तो इंग्लिश में ही एक जैसे है ना, हिंदी में तो अलग अलग हो गए, यहाँ तो हो गया तुम्हें और ये क्या हो गया तुम तुम्हें प्यार नहीं करते, तुम तुम्ही को पसंद नहीं करते, है ना. तो उसको योर सेल्फ भी लिख लो चाहे तो, योर सेल्फ का क्या मतलब होगा, खुद को, तुम खुद को भी पसंद नहीं करते. तो हमने खुद की बजाय क्या कहा, तुम्हें, अगर तुम्हें कहेंगे तो यू लिखेंगे और खुद को कहेंगे तो योर सेल्फ. अगर यहाँ हमने हिंदी में क्या ट्रांसलेट करना है, खुद को, तुम खुद को, स्वयं को, खुद को भी हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वयं को, तुम स्वयं को प्यार नहीं करेंगे, फिर हम लिखेंगे योर सेल्फ, उसका अनुवाद करना है, यू डू नॉट लव योर सेल्फ. अब हम कह रहे हैं तुम्हें, तो तुम्हें के लिए योर सेल्फ नहीं लिखेंगे, क्लियर, तुम्हें के लिए योर सेल्फ नहीं लिखेंगे, तुम्हें के लिए यू लिखेंगे. ये हमने ये समझाने के लिए कि इस यू में और इस यू में क्या फर्क है, क्या फर्क हुआ, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में है तो थर्ड फॉर्म है, सब्जेक्ट के रूप में तो फर्स्ट फॉर्म, और बीच में जो है वो पजेसिव, इसको क्या बोलते हैं, पजेसिव, जो पास होना दिखाता है, योर बुक, माई चॉक, योर ब्रदर, तुम्हारा रिलेट करते हैं, तुम्हें किसी से रिलेट करते हैं, योर मदर, तुम्हारी मम्मी, तो तुम्हारा संबंध बताता है ना, तुम कहते हो योर योर बाइक, योर फोन, वो तुम्हारी मालिकियत बताता है, तो योर क्या करता है, बीच वाला रिलेट करता है, संबंध बताता है,
बताता है कि मैं उसका मालिक हूँ, है ना, वो चीज मेरी है, उस पर तुम्हारा कब्जा बताता है। तो यू की भी कितनी फॉर्म हो गई, छह। अब तुम कहोगे इसमें और इस यू में क्या फर्क है, हाँ ये 10 लोगों के लिए भी यूज हो सकता है, 20 के, 1000 के लिए भी यूज यू ही करेंगे, है ना। 1000 लोग बैठे मेरी क्लास में, मैं कहूंगा यू आर गुड स्टूडेंट। तो तुम्हें कैसे पता चला मैं प्लूरल यूज कर रहा हूँ, सिंगुलर यूज कर रहा हूँ, ना। आप जैसे वीडियो में सिर्फ ब्लैक बोर्ड और मैं दिख रहा हूँ, तुम तो नहीं दिख रहे। तो जो वीडियो देखेंगे उनको कैसे पता चलेगा मैं प्लूरल वाला यू यूज कर रहा हूँ या सिंगुलर वाला यूज कर रहा। एक तो किससे पता चला, स्टूडेंट्स जब मैंने कहा, तो उसमें से, तो उसमें तो दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, आधा दो हजार हो सकते हैं। दूसरा किस चीज से पता चलेगा, वेरी गुड। एक तो किससे पता चला, जो हमने ऑब्जेक्ट यूज किया है उसको प्लूरल नंबर में किया है, उसके आगे एस लगाया, बहुवचन बना दिया उसको। दूसरा एक और, जैसे मैंने कहा यू आर वेरी गुड, मैंने नहीं कहा स्टूडेंट्स, है ना, किससे पता चला, आर से। आर से पता चला कि हम इस यू का यूज नहीं कर रहे हैं। किस यू का यूज कर रहे हैं, इस वाले का यूज कर रहे हैं, आर से। और दूसरा जो बाद में ऑब्जेक्ट हम स्टूडेंट्स या, लेकिन आर तो सिंगुलर में भी आ जाएगा। वेरी गुड, देखो किसी को आई ख्याल में बात, यू के साथ क्या बात, यू के साथ सिंगुलर के साथ भी हम आर यूज करते हैं और प्लूरल के साथ भी आर यूज करते हैं। वेरी गुड बॉय, एक से मैं थम अप, जो ऑनलाइन में रहते हो वो ऑफलाइन उसकी तरह यू में हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आर यूज करते हैं। और क्यों करते हैं पता, क्यों करते हैं, क्योंकि आर हेल्पिंग वर्ब है। क्या बेटे, आर हेल्पिंग वर्ब है, आर हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब तो इज भी है, वाज भी है, वेरी गुड। सिंपल सी बात है, जो हमारे सामने होता है आदमी, जैसे सामने कोई है, तुम उसके उसको रिस्पेक्टफुली डील करते हो, सम्मान से बात करते हो उसके प्रति, चाहे वो पीछे चला जाए तो उसके बारे में कुछ भला बुरा भी कह सकते हो, है ना, उसके बारे उसकी कोई आलोचना भी कर सकते हो, बाद में कह भी सकते हो कि मुझे ये आदमी पसंद नहीं है। लेकिन जब सामने होता है तो मोरली तुम उसके सामने बहुत ही सम्मानजनक ढंग से पेश आते हो। थर्ड पर्सन को थर्ड पर्सन इसलिए कहते हैं कि उसके बारे में हम जो कहना चाहते हैं, क्योंकि वो है नहीं, सुन नहीं रहा, है ना, तो हम उसके बारे में अच्छा बुरा कुछ भी कह सकते हैं और उसमें हमें हिचक नहीं होती, हमें नहीं लगता कि सामने वाला क्या समझेगा कि मैं इतना बदतमीज हूं। लेकिन ये जो यू है, ये तो कौन सा है, द लिसनर। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, द स्पीकर, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है। तो सुनने वाले के साथ आप हमेशा सम्मान से पेश आते हो। तुम्हारे घर में कोई आदमी आता है, चाहे तुम उसे पसंद करते हो या ना करते हो, एक बात के लिए रिस्पेक्टफुली उसे वेलकम करते हो ना, बाद में फिर भले कह दो कि टाइम खराब करके चला गया, जब देखो तब आ जाता है, लेकिन उसको तो नहीं कहते ऐसे ना। इसलिए हम यू के साथ क्या करते हैं, हिंदी में भी ऐसे करते हैं, आए कोई रिस्पेक्ट, उसको हम आया नहीं कहते हैं ना। जैसे प्रधानमंत्री जी आए हमारे घर में, प्रधानमंत्री जी आए, और अगर दोस्त आया, मेरा दोस्त आया था, वो आया था पड़ोस वाला, तो उसको किसने बोल रहे हैं, सिंगुलर में, है ना। और कोई सम्मान, जिसका हम सम्मान करते हैं तो उसको कहते हैं, कोई जो बच्चे अपने पापा को हायर पेडस्टल पर रखते हैं, वो कहते हैं पापा आए, मेरे पापा ने, मेरे पापा आए थे उस समय, वो पापा आया था, ऐसे नहीं कहते ना। तो वो क्योंकि रिस्पेक्टफुली लैंग्वेज बनाने वालों ने
कि हम जो जो लिसनर होता है हमारे बिल्कुल सामने होता है उसे हमें सम्मान देना है, उसके साथ हम हार लगाएंगे। किसी ने इज अगर लगाना शुरू कर दिया होता तो हम आज इज पढ़ रहे होते, इज पढ़ा रहे होते। तो भाषा बनाने वालों ने ये बात देखी कि हम सामने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं, सम्मान देते हैं, इसीलिए उसको उसके साथ हम प्लूरल भाषा में प्लूरल यूज करते हैं, प्लूरल में उसको और ज्यादा सम्मान मिलता है। तो इसी तरह ये प्लूरल के लिए होगा, ये प्लूरल के लिए होगा ऑब्जेक्ट में। ये सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन कौन सा हुआ? थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन सबसे पहले है ही की सेकंड फॉर्म। ही तो क्या हो गया? सब्जेक्ट। ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का काम करेगा। और जो बीच में काम होता है पोजेसिव का, पोजेसिव प्रोनाउन ही इज। और जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा ही इज हिम। इसी का प्लूरल पहले ये तो हो गया सिंगुलर। अब इसका जेंडर भी हमने देखा, इनका जेंडर तो सेम है, हम फेमिनिन को भी यू कहते हैं, स्त्री को भी और पुरुष को भी यू कहते हैं, है ना। इसी तरह फर्स्ट पर्सन स्त्री बोलेगी, लड़की बोलेगी वो भी अपने को आई कहेगी, लड़का बोलेगा वो भी अपने आप को आई कहेगा, उनमें तो कोई फर्क नहीं। लेकिन अंग्रेजी में, हिंदी में तो उसमें भी फर्क नहीं है, थर्ड में भी, हिंदी में, संस्कृत में, पंजाबी में, लेकिन इंग्लिश में है। लेडीज को शी कहते हैं, है ना, और जेंट्स को ही कहते हैं, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में हमने जेंडर भी चेंज करना है। जेंडर के अनुसार ही की जगह कौन आएगा? शी। हिज की जगह क्या आएगा? हर। और हिम की जगह भी हर। शी हर हर। तो यहाँ इस हर में और इस हर में फर्क हमने समझना है। ये वाला हर है किसी सेंटेंस में, या ये वाला हर है बीच में है तो ये है, और लास्ट में है तो हर। ये हर अगर ऑब्जेक्ट के रूप में है तो ये, अगर रिलेशन दिखा रहा है तो ये, है ना। जैसे इट इज हर बुक, ये उसकी किताब। इट इज हर बुक, ये उसकी किताब। तो ये कौन सा यूज कर रहे हैं हम? हर, ये वाला। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, है ना। तो इसका मतलब क्या है? उससे। और इसका मतलब क्या है? उसकी। दोनों फर्क है ना, उसकी और उससे। इट इज हर मदर, शी इज हर हर मदर, ये उसकी माँ है। और उसकी माँ ने उससे कहा, हर मदर टोल्ड हर, हर मदर टोल्ड हर। तो दोनों हर अलग हुए, एक का मतलब उससे, एक का मतलब उसकी। तो ये तो सिंगुलर नंबर हो गया थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हुआ ही हिज हिम शी हर हर। थर्ड पर्सन किसे कहेंगे? जो हम दोनों के अलावा जगत में कुछ भी है, सब कुछ मेरे और तुम्हारे अलावा, जो भी है, चाहे थिंग्स हैं, चाहे लिविंग थिंग है, चाहे नॉन लिविंग थिंग है, चाहे पर्सन हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे कमरे हैं, कुछ भी है, एनी थिंग। सिर्फ दो को छोड़ के, बोलने वाले और सुनने वाले को छोड़कर, दुनिया में जितनी भी चीज है, सब कुछ, भगवान भी, इवन द गॉड हिमसेल्फ, क्या है? थर्ड पर्सन। सिर्फ दो को छोड़ के, वो जो बोल रहा है और वो जो सुन रहा है, उनके अलावा सब थर्ड पर्सन। तो वो थर्ड पर्सन इन इन एक तो ये छह तो ये हो गए, और अगला इनका प्लूरल नंबर क्या हो गया? ए देयर दे देयर टेन। और इनमें से कोई छूट गया तो उसके लिए है
ठीक, फिर भी कोई छूट गया तो एनी नेम हम कह सकते, ताकि कोई छूट ना जाए, क्योंकि सारी चीजें है ना इसमें, ताकि कुछ रह ना जाए, सब आ गए। अगर इनमें से भी छह सात भी कोई कवर नहीं कर पाते तो कोई भी चीज होगी, कोई ना कोई तो नाम देंगे उसका, कुछ भी कहेंगे उसको, तो वो सारी ये सारे थर्ड पर्सन। तो ये तो आज हमने सिर्फ ये देखा कि प्रोनाउंस कौन कौन सी होती है। अब ये डायरेक्ट में अलग तरह से यूज होती हैं, इनडायरेक्ट में अलग तरह से यूज होती हैं। वो कैसे यूज होंगी ये हम कल फिर से देखेंगे, ठीक। आज इतना ही, देखते हैं वीडियो में आवाज आती है।